हेलो एवरीवन, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। चैप्टर है सर्कल, थर्ड एक्सरसाइज में आ गए हम। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ ए सर्कल ऑफ सर्कल, सर्कल का अलग अलग पेयर बनाना है। हाउ मेनी पॉइंट्स, और कितने पॉइंट होंगे। डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कॉमन कितने हो सकते हैं ये बताना है। अलग अलग से आपको दो सर्कल ड्रॉ करने हैं और कितने कितने कॉमन हो सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, और मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं हमें ये बताना है। तो यहां से सबसे पहले मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक सेकेंड सर्कल ड्रॉ किया, तो कॉमन पॉइंट कितने होंगे। नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं पे भी कट नहीं कर रहे, कट नहीं कर रहे यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या होंगे, नो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं जहां सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल को ड्रॉ किया और इसको एक ही पॉइंट पे टच करते हुए एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दोनों किस पॉइंट पे, ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, उसका नाम ए बोल दिया। तो यहाँ क्या होगा, वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट। उसके बाद हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, कैसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया और एक ये ड्रॉ किया, तो एक ए हो गया और एक बी, तो कितने हो गए, टू कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स। तो ये हमारे पास हो गए टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो या तो अंदर होगा, ठीक है, या फिर कोई सर्कल इसी सर्कल के ऊपर होगा, तो हम और सर्कल दो, यानी कि देखो इसको करेंगे तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, और इसके ऊपर ही ड्रॉ करेंगे तो हम अलग इनका दोनों का डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सर्कल ए है और कौन सा बी है, ठीक है। तो यहां से हमें मैक्सिमम पॉइंट कितने मिलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट कितने मिलेंगे, टू, ठीक है। दो मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं किसी भी सर्कल के। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सपोज कर लिया, ये सर्कल क्या है, गिवन है। कंस्ट्रक्ट टू फिक फाइंड इट सेंटर, इसके सेंटर जो है वो कैसे फाइंड आउट करें, उसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है हमें, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं, पहला स्टेप करेंगे, जो जो भी काम करते रहेंगे वो बात इसके अंदर लिखते रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, वी टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, वी टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। हम क्या लिए, तीन अलग अलग नॉन कोलिनियर, कोलिनियर तो क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उनको मीट करेंगे, क्या करेंगे, मीट करेंगे बाय द लाइन सेगमेंट, ठीक है, या फिर पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल पे लेने हैं हमें थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये नहीं कहीं पे भी ले लेंगे, सर्कल पे लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, जो जो काम कर रहे हैं वो ड्रॉ करेंगे या कंस्ट्रक्ट में लिखेंगे, इसको इसको और इसको और इसको मिला दिया, यानी कि ए बी और सी, थ्री पॉइंट लिए, तो मीट ए बी एंड ए सी, ठीक है, एंड बी सी, सबको मिला दिया। अब थर्ड काम क्या करेंगे, थर्ड काम क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ड्रा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ड्रा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी। ये जरूरी नहीं है आप ए बी और ए सी लें, आप ए बी ए सी और बी सी भी ले सकते थे, किसी भी दो लाइन का, ठीक है, किसी भी दो लाइन का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लेना है। वो कैसे लेना होता है, आप यहां पे प्रकार को रखोगे और क्या करोगे, हाफ से ज्यादा ओपन करोगे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, सॉरी कर्व ड्रॉ करोगे, और ऐसे ही इधर से हम क्या रखेंगे, यहां से रख के और इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां से भी क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे सी से, और जितना प्रकार पहले से ओपन था हमारा उतना ही रहेगा,
अब बी से होगा, बी से करेंगे तो बी से ड्रॉ हो जाएगा और दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास क्या, बोथ पॉइंट आर मीट ओ मान लिया, ठीक है, बोथ बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पे मिलता है तो ओ ही क्या हमारा सेंटर है, ओ क्या रहेगा हमारा सेंटर, सो दस ओ इज सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल निकालना हमें समझ में आ गया। क्या करना है, कोई भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे, उन नॉन कोलिनियर पॉइंट को आप मिलाइए, एक ट्रेंगल का शेप मिलेगा, उस ट्रेंगल के किसी भी दो साइडों को आप क्या करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां आपस में सर्कल के अंदर जहां मीट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कर रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, दो पॉइंट पे, एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है, ये दोनों आपस में कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, टू पॉइंट ए और बी पे, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोण, ये दोनों की कॉमन कोण है, कॉमन कोण क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है, ए बी क्या है कॉमन कोण। अब हमें शो करना है जो दोनों सेंटर को अगर मिला दें, यानी कि ओपी ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, और ओपी बाइसेक्ट बाइसेक्ट ए बी, ठीक है, ये दो बात शो करनी है हमें स्टेटमेंट में, क्या क्लियर हुआ, यानी कि ए बी ये क्या शो करना है, ये 90 डिग्री का भी करना है, और यहां से ए एम इज इक्वल टू बी एम, बाइसेक्टर का अर्थ क्या हुआ, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। तो हम क्या सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये ट्रेंगल लेकर चलते हैं ओ ए पी, ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल कौन सी ओ बी पी, ओ बी पी, तो यहां से देखें तो इसमें क्या है ओ ए इज इक्वल टू, इसमें देखें तो ओ बी क्या है, रेडियस सेम सर्कल की है, ठीक है, उसके बाद यहां से देखेंगे ए पी, इसमें क्या है ए पी और इसमें क्या है बी पी, ये भी क्या है रेडियस, और ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या है हमारे पास कॉमन, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए हमारे पास कॉन्ग्रेंट, ट्रेंगल ओ ए पी इज इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ओ पी पी, ठीक है, किस रूल के द्वारा होगी ये, साइड 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 रूल के द्वारा। अब बाकी जो पार्ट होते हैं हमें पता है सीपीसीटी रूल के द्वारा क्या होते हैं, इक्वल, तो हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल मान लेते हैं, क्या मिलेगा ए ओ सॉरी ए ओ कितना मिलेगा हमारे पास पी, ठीक है, ए ओ पी बोल सकते हैं इसको या ए ओ एम बोल सकते हैं, ठीक है, ए ओ एम इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें बी ओ एम, एंगल बी ओ एम, इसका इक्वेशन नाम वन रखा, ठीक है। अब ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल कौन सी ट्रेंगल ए ओ एम और बी ओ एम, ए ओ एम एंड ट्रेंगल बी ओ एम, इन दोनों को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, तो हमें पता है यहां से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या है ये रेडियस, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओ एम इज इक्वल टू ओ एम क्या है कॉमन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड हो गई है, उसके बाद ये बाय इक्वेशन वन क्या है दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास एंगल बी ओ एम गिवन बाय वन, ठीक है, बाय वन के द्वारा क्या है ये गिवन है, तो दोनों ट्रेंगल क्या होगी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगी, कौन कौन सी होगी ए ओ एम कॉन्ग्रेंट बी ओ एम, ठीक है, तो इस ट्रेंगल के द्वारा हमें क्या मिला, एक तो क्या मिला यहां से ए बी, ए बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा बी बी एम, ठीक है, किसके द्वारा सीपीसीटी रूल के द्वारा, तो ये ए बी और ए एम मिला, तो ये क्या मिला हमें ए एम और जी सॉरी ए एम, यहां क्या मिलेगा ए एम और बी एम, तो हमें यही तो शो करना था ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो इसका अर्थ हुआ क्या कौन सी लाइन ओपी, तो ओपी बाइसेक्ट
ए बी, ठीक है, ए बी को बाइसेक्ट हो गया। अब बात रहा हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर शो करना, तो हमें पता है ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये कौन सा एंगल, ए एम ओ, ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ, ठीक है। ये भी क्या होगा, सी पी सी टी रूल के द्वारा होगा, जबकि हमें पता है एंगल ए एम बी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रेट एंगल है। तो हम इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, कौन सा, ए एम ओ प्लस बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ए एम ओ प्लस ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू टू ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री कैंसिल आउट होके कितना मिला 90, ए एम ओ कितने डिग्री का मिला हमें 90 डिग्री का, ए एम ओ 90 का मिला, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर भी हो गया, यानी कि हमें क्या मिला ओ पी, ओ पी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। तो हमने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, क्या कर रहा है बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है। तो इस थ्योरम में यानी कि इस क्वेश्चन में यही करना था, क्या दोनों को परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर करना था। तो यहां से हमें कंप्लीट एक्सरसाइज होती है ये हमारी, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।